नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दे, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पर नेहरू युवा केंद्र बांदा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे राष्ट्रीय युवा साप्ताहिक दिवस पर महाविद्यालय पर बालिका दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के NCC नोडल अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रतोष मिश्रा, सूबेदार जीएंद्र सिंह, जिला युवा अधिकारी सागर वधावनी की उपस्थिति रही। सागर वाधवानी द्वारा बताया गया कि हमारी बेटियां हमारे अभिमान है, उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाए, उनको प्रोत्साहित करें, बेटी हमारा गर्व है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल डॉक्टर प्रत्यूष मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने NCC कैंडेट के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संबोधित करते हुए बेटी हमारा गर्व है, हमें सर्व सम्मान सहित जीना चाहिए। उन्होंने बताया 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिससे हम आज सोशल डिस्टेंस को देखते हुए महाविद्यालय पर सभी छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया एवं NCC कैंडेट छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीत बंधन कविता का उल्लेख किया गया। इस कार्यक्रम पर सीनियर ज्ञानेश्वर सा II सीनियर संदीप एवं निखिल धर्मेंद्र प्रताप गरिमा सिंह संध्या मीनू प्रजापति एवं सभी NCC कैंडिडेट उपस्थित रहे। लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रत्यूष मिश्रा, कंपनी कमांडर 6/60 पंडित जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज बांदा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस प्रकार कार्यक्रम रहा आज? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अंतर्गत हमारी कंपनी के द्वारा नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक डॉक्टर सागर वाधवानी साहब के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग इस बालिका दिवस के कार्यक्रम को सब बहुत अच्छी तरह से आयोजित कर रहे हैं। इसमें बालिकाओं को राष्ट्रीय भावनाओं से जो भी उनकी योजनाएं या जो उनके विचार हैं विभिन्न योजनाओं से संबंधित, उन विचारों से उनको खुद से और खुद अदर कैडेट्स को जानकारी प्रदान कराने के लिए और वाइस कैडेट को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि सभी ये जानकारियां सबको एक साथ सामूहिक रूप से मिल सके और जो जानकारी एक दूसरे को नहीं हो पा रही है इंडिविजुअली, वो आज के माध्यम से प्राप्त करें और इसे अपने घर और दूसरों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। इस पूरे कार्यक्रम को हम सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर अपनी इस जगह पर मना रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है गवर्नमेंट की तरफ से, उस मूल उद्देश्य को प्राप्त करें और इसे गांव के मोहल्ले के हर परिवार, हर घर तक, हर व्यक्ति तक इसको हम पहुंचाएं कि बालिकाओं का जीवन, बालिकाओं का रहन सहन अपनी मानव सभ्यता के लिए, अगर हम मानव सभ्यता का हमारे समाज में जीवित रहना, उनका अच्छी तरह से भरण पोषण होना, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी जानकारी है, ये सभी चीजें उनको हम अच्छी तरह से दे सके, उसको उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ा के ले। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।